जय माता दी। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में, जो कि 9 जुलाई से मिथुन राशि में अस्त से उदित होने वाला है और फिर 14 जुलाई को मिथुन राशि में ही मार्गी होगा। आपकी राशि पर बुध के उदित होने और फिर 14 जुलाई से मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। बुध ग्रह जो सूर्य के बेहद करीब है, साइज में बहुत छोटा है, फास्ट है, जिसका अपना कोई खास रोल नहीं है, लेकिन जिसके बिना इस दुनिया में सक्सेस हासिल नहीं की जा सकती। जन्म कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी की तरह रिजल्ट देने लगता है। बुध के बिना इंसान किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। जन्म कुंडली में शुभ बुध के बिना इंसान इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। ये प्लैनेट इंसान को एकदम फास्ट बनाता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाता है, आवाज़ को बहुत मीठा करता है, डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है, जिसके शुभ होने से इंसान बेहद चतुर और चालाक बनता है। जन्म कुंडली में बुध अगर अस्त हो तो सारी उम्र नौकरी कराता है, और अगर बुध बेहद पावरफुल हो, उदय हो, सूर्य और बुध साथ हों और दोनों की डिग्री में बड़ा अंतर हो तो बहुत बड़ा व्यापारी बनाता है। बुध ग्रह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। तो दोस्तों, वर्तमान स्थिति में जैसे हालात बने हुए हैं, जब से 2020 शुरू हुआ है, पहले कोरोना जो अब तक चल रहा है, कोरोना की वजह से कामकाज ठप पड़े हैं, उसके बाद भूकंप जैसी घटनाएं, 6-6 ग्रहों का वक्री होना और फिर ये इंडिया चाइना की वार की स्थिति बनना, अब तेज तूफान, आंधी, बरसात और बाढ़, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये तो रही वर्तमान स्थिति। आज हम बात करेंगे कि इस समय जो देश दुनिया के हालात बने हुए हैं, काम काज ठप पड़े हैं, ऐसी स्थिति में बुध का अस्त से उदित होना आपकी राशि पर किस तरह के प्रभाव डालेगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि 9 जुलाई गुरुवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुंभ राशि के लिए बुध पंचमेश और अष्टमेश हैं, यानी कि 5वें भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में बुध 5वें भाव में हैं, यानी कि अपने घर में हैं। इस समय अस्त हैं, लेकिन 9 जुलाई गुरुवार से उदित होने वाले हैं। पंचमेश अपने घर में उदय होंगे। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बुध के उदय होने से कई तरह के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। बुध के प्रभाव से अब आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। बुध के प्रभाव से बच्चों से जुड़ी समस्याएं अब दूर होंगी। पढ़ाई लिखाई में आने वाली परेशानियां दूर होने वाली हैं। बुध के प्रभाव से कुंभ राशि वालों को गुप्त धन मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। इस समय में शेयर्स में सट्टे लॉटरी में आपको प्रॉफिट मिलते हुए दिखाई देगा। गुप्त रूप से मदद मिलेगी और आपके प्रेम संबंधों में भी खुशहाली आएगी। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बुध के प्रभाव से अपनी ससुराल से भी बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देगा। ये समय गुप्त रूप से मदद आप प्राप्त करेंगे। पूजा पाठ में, धर्म अध्यात्म में और गुप्त विद्या हासिल करने में भी आपकी रुचि रहेगी।
कुंभ राशि वालों के लिए घर से दूर जाने के योग भी अब बनने वाले हैं। दोस्तों, करियर में आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। बात करें 9 तारीख गुरुवार के राशिफल के बारे में, कुंभ राशि वालों के लिए 9 तारीख गुरुवार के दिन चंद्रमा आप ही की राशि से गोचर करने वाले हैं। गुरुवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। इस दिन आपको मुकदमेबाजी में जीत मिल सकती है, नौकरी में पदोन्नति होगी और नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे। इस दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कारोबारी गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। बस आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हर काम में करने से बचना है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।